गुड मॉर्निंग। तो आज एक नई सुबह में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आज मैं पहुँच चुका हूँ धर्मशाला। धर्मशाला का पीछे बस स्टैंड है, ये रहा। मैं यहाँ पे पहुँच गया था सुबह 4 बजे और अभी ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं और वेट कर रहा हूँ मैं एक बस का जो कि मेरे को मैक्लोडगंज ले जाएगी। तो आज जो मेरी ट्रिप होने वाली है वो मैक्लोडगंज के लिए होने वाली है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ। रात को 3-4 घंटे का टाइम था बस का, जिसमें उन्होंने एक जगह बीच में छोड़ दिया था। तो वहाँ से फिर मेरे को बस चेंज करनी पड़ी और यहाँ पे जो टैक्सी है वो मैक्लोडगंज ले जाने का कम से कम 300 से 400 रुपये का प्राइस लेती है, लेकिन जो बस है वो 20 रुपीज़ में पहुँचा देती है। तो 6 बजे के आसपास बस आ जाएगी, तो मैं यहाँ से बस में जाऊँगा मैक्लोडगंज। मैं आ गया हूँ धर्मशाला से शिवनगर। धर्मशाला से नीचे पड़ता है शिवनगर, ऊपर की तरफ पड़ता है मैक्लोडगंज। तो बेसिकली ये लोकेशन कुछ ऐसी है और मैं जा रहा हूँ उन दोनों भैया के साथ रूम का पता करने। शिवनगर में आपको रूम सस्ते मिल जाते हैं। शिवनगर, धर्मशाला से शिवनगर 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। अभी शिवनगर में आ गया हूँ और बस धर्मशाला से 2-2.5 किलोमीटर ही यहाँ पर है। अगर ऊपर चले जाओगे तो फिर मैक्लोडगंज आ जाता है जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो फिर मैं, अगर यहाँ पे रूम मेरे को अच्छे मिलते हैं तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी धर्मशाला आते हो और आपको मैक्लोडगंज घूमना है तो आप 1 नाइट स्टे करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर रूम अच्छे मिलेंगे, लोकेशन बहुत प्यारी मिलेगी, नेचुरल मिलेगी। ये है तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी जगह लगी। तो ये जो है ये हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक वाला, तो शिवनगर है। और इसका जो नाम है वो यहाँ लिखा हुआ है, स्वरिज तिब्बतन हर्बल क्लिनिक। तो यहाँ से जो है काफ़ी लोग यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं काफ़ी दूर दूर से इंडिया में। तो अभी जो है भैया अपॉइंटमेंट वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है इस, ये यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर से इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो जड़ी बूटी है हिमालय की वो शुद्ध देसी, और कुछ जड़ी बूटी ऐसी हैं जो सिर्फ हिमालय में मिलती हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग कैंसर का और थोड़ी बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज करना निकले, मतलब जब डॉक्टर पूरा मना कर देते हैं क्या वो इसका इलाज नहीं हो सकता तो फिर वो यहाँ पर आते हैं और जड़ी बूटियों का आयुर्वेदिक इलाज वो यहाँ से करवाते हैं। और ये जो लोकेशन है ये है धर्मशाला से 2 से 3 किलोमीटर के अंदर शिवनगर के अंदर। तो धर्मशाला 5 किलोमीटर, मैक्लोडगंज 14 किलोमीटर। और ये तो मैक्लोडगंज के पास एक, ये भी एक ऐसा है छोटा सा विलेज है जहाँ पे मैंने रूम लिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरह के रूम हैं। जो बाथरूम में अटैच्ड है, बाकी ऐसा है, ये मेरा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऐसे रूम मिल जाते हैं और इस रूम का जो प्राइस है वो 500 है। और यहाँ से अभी मैं निकलने वाला हूँ मैक्लोडगंज की तरफ। अब मैं पहुँच गया हूँ मैक्लोडगंज और ये कुछ ऐसा व्यू है। और मेरे पीछे पार्किंग है मैक्लोडगंज की और यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो ऊपर जाके मिलते हैं फिर कैसा रहता है जो व्यू है मैक्लोडगंज। तो आज मेरा फर्स्ट डे है, मैंने रूम भी ले लिया है। तो ये थोड़ा टॉप पे आ गया हूँ और ये है कुछ मैक्लोडगंज क्राउडी प्लेस। बाकी ऐसा कुछ है, यहाँ पे दलाई लामा टेंपल है। ये अच्छा है। बाकी ये पकौड़े वकोड़ों की दुकान है। अरे वाह, ये तो बहुत हेल्दी डॉक्टर है। ये माल रोड है मैक्लोडगंज का। अभी मैं जा रहा हूँ आगे और जल्दी
पड़ेगा आपको सर 200 रुपए का। सही सही लगाओ दोस्त, 200 रुपए तक। हाँ जी सर, देखो कैब देखो कितनी अच्छी है। ये तो विंटर के लिए है ना ज़्यादा स्पेशली। कौन सा लेना है ये? वैसे क्या प्राइस है इसका? 350। हेलो 350 गाइस, ये गाइस वेक अप। मंगोलियन टी है, बाकी सब बाहर बात है। एक हाउस ऑफ कैंडी, हाउस ऑफ कैंडी। तो ऐसी है यहाँ की कुछ मार्केट। आज आई थिंक संडे की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो तीन लोकेशन है मैकलोडगंज में। एक आपका है डलाइमा टेंपल और डल लेक देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि डल लेक में अब पानी नहीं है, पूरी सूख चुकी है डल लेक। और एक आप ये झरना देखने आ सकते हो जिसमें थोड़ी आपकी ट्रैकिंग होगी कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास यहाँ से, जिस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे डलाइमा टेम्पल पर। ये रे भैया, हाय, चलिए दर्शन करते हैं दलाई लामा के अंदर मंदिर के। आपने किया देखो ये आपको बनाएंगे, इनको बोलो दिखाना कलाकारी। ये किससे बनाया हमने? शीशे। अच्छा, ये बांसुरी पे अच्छा नक्काशी होती है, ज़ाइलोग्राफी। उसमें शिव जी बनाया। अच्छा, यहाँ पे ये बनाया के शिव जी। ये लकड़ी का, तो ये कहाँ बांस का है? ये बांस का, देखिए बहुत टाइम लगता है बनाने। बजा के दिखाना कैसा है? बनाते 3-4 दिन लगते हैं। अच्छा, 3-4 दिन लगता है इसको बना पेंटिंग करने में पूरा? जी। अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ जैसे पहले पेंट से पेंट करता हूँ। तो ये कलर वैसे ब्लू हो जाता है, ये फिर ब्लैक करते हो आप? इसमें ब्लैक हो जाएगा तो तेल डालना पड़ेगा। अच्छा, तेल डालना पड़ता है? तेल डालते हैं। अच्छा अच्छा, और इसका प्राइस क्या है? इसका 2000। तो ये वुड कौन सा है? और ये वुड कौन सा है? ये बैम्बू है। बैम्बू है। और ये मखलूरगंज में दलाईमा टेंपल पीछे। ये है दलाईमा टेंपल। मैं आ रहा हूँ।
अभी मैक्लोडगंज में और देखने आया था यहाँ की इवनिंग और थोड़ा नाइट का व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। बाकी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन है और इसी के साथ मैं अपनी हिमाचल ट्रिप जो है वो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। इसके बाद फिर मिलेंगे किसी और ट्रिप में। लास्ट डे है मैक्लोडगंज में, इसके बाद अब मैं फिर निकल जाऊँगा दिल्ली की ओर।